नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सीबीआई करेगी व्यापम घोटाले की जांच, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को व्यापम घोटाला मामलों और इससे जुड़ी सभी कथित मौतों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार तथा राज्यपाल को उस अपील पर नोटिस भी जारी किया जिसमें इस घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि सभी मामले सोमवार से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और एजेंसी अपनी रिपोर्ट 24 जुलाई को उसके समक्ष दाखिल करेगी। दूसरी ओर व्यापम घोटाले की जांच कर रहे विशेष कार्यबल ने विशेष अदालत में कहा कि इस घोटाले में एक गवाह संजय सिंह यादव की 8 फरवरी को भोपाल के एक निजी अस्पताल में लीवर की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। एसटीएफ ने यादव का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अदालत में पेश किया। रात भर हुई मूसलधार बारिश, जम्मू स्टेशन तबाह। बुधवार रात जम्मू में हुई मूसलधार बारिश ने चारों ओर तबाही ला दी है। हमारे जम्मू कश्मीर संवाददाता सुरेश डुग्गर के मुताबिक भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते अमरनाथ यात्री भी फंस गए हैं। जम्मू स्टेशन कई जगह से उखड़ गया, पटरियां पानी में डूब गईं। शहर में भी गलियां बारिश के पानी से इस कदर भर गईं मानो कोई बरसाती नदी बह रही हो। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह भारी बारिश होने से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और यातायात बाधित हो गया। शहर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भारी बारिश के कारण एक मकान गिर गया जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। जननी सुरक्षा योजना सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण योजना। विश्व बैंक ने भारत की जननी सुरक्षा योजना को दुनिया की सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण योजना करार दिया है। इसके तहत हर साल 7.80 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में कहा कि सशर्त या बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं में जननी सुरक्षा योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। कानपुर में मिठाई की दुकान पर बिक रही थी शराब। कानपुर शहर के ग्वालटोली इलाके में मिठाई की एक मशहूर दुकान में अवैध रूप से शराब बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दुकान के 2 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अजय मिष्ठान भंडार नामक इस मिठाई की दुकान का मालिक फरार हो गया। पुलिस ने दुकान से 6 पेटी में अंग्रेजी शराब की 65 बोतलें पकड़ी हैं। यह शराब हरियाणा से सस्ते दामों पर मंगवा कर यहां बाजार से मिलने वाली अंग्रेजी शराब से कम दामों पर बेची जा रही थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।